वन का द्वितीय भाग रिलीज हो रहा है, इसके लिए मैं इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आशा है कि जो ऑडियंस अब तक 56 ओरिजिनल फिल्म के फैंस थे उन्हें ये फिल्म पसंद आएगी और उनको इस फिल्म के जरिए एक नया अनुभव मिलेगा। क्या है फिल्म की कहानी, क्योंकि वो पहले देखे थे हमने, इसकी थी, इसमें क्या अलग दिखाया गया अब तक? ये फिल्म की कहानी शुरू होती है, ये फिल्म की कहानी शुरू होती है इस मुकाम से जब साधु अगाशी, जो कि नाना पाटे का किरदार है, ऑलरेडी रिटायर हो चुका है और किन परिस्थितियों की वजह से, किन मजबूरियों की वजह से उन्हें वापस पुलिस फोर्स में आना पड़ता है। मेरा पाला उनसे पड़ता है क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और जो मेरे पिता हैं फिल्म में वो नाना पाटेकर के किरदार के दोस्त रह चुके हैं और वो भी अंडरवर्ल्ड की एक शूट आउट में अपनी जान दे चुके थे। तो मैं एक सेकेंड जनरेशन क्राइम रिपोर्टर हूँ और जब मेरी मुलाकात होती है नाना पाटेकर के किरदार से, एक हमारा एक इमोशनल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और फिर एक केस पर हम दोनों इकट्ठे काम करते हैं एज अ टीम, मैं एज अ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और वो ऑफ कोर्स एज अ पुलिस ऑफिसर। किसी पत्रकार से मिले थे? जी, मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से बातचीत की, उनसे थोड़ा सा पूछताछ की किस तरीके की लाइफ उनकी होती है, कुछ क्रिमिनल्स भी बात करने का मौका मिला और ऑफ कोर्स पुलिस ऑफिसर्स का भी बात करने का मौका मिला, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का पाला इन तीनों से पड़ता है, पुलिस से भी, क्रिमिनल एलिमेंट से भी और ऑफ कोर्स अदर जर्नलिस्ट जिससे आप स्टोरी डेवलप करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो बस इतना कहूँगी कि इस फिल्म के बाद जो रिसर्च मैंने की उसकी वजह से जो मेरी रिस्पेक्ट है मीडिया के लिए वो कई गुना बढ़ गई है। रिस्पेक्ट तो हमेशा ही थी लेकिन कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अब समझ में आया है कि कितनी बार आप स्टोरीज रिसर्च करते रहते हैं लेकिन स्टोरीज कैरी भी नहीं होती। तो अब मैं जो लगता है कि मेरी आंखों में मीडिया के सभी मेंबर्स के लिए एक नई रिस्पेक्ट है और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप सबका कि आप लोग अपना वक्त निकाल के आते हैं। मुझे आपने दोनों देखे, आपने फैमिली को पिक्स लिस्ट आपने फिल्म में की, आप मुझे मिले थे, आप बॉलीवुड रिपोर्टर से रोज मिलते हैं, तो क्या फर्क देखा दोनों में? देखिए दोनों मेहनत कर अनोखी खबरें ऑडियंस के सामने रख रहे हैं और इतना ज़रूर है कि जो क्राइम रिपोर्टर है वो अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालता है कभी कभी, पर ये कहना भी सही नहीं होगा कि जो आपके जैसे एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है वो अपनी ज़िंदगी जोखिम में नहीं डालते, क्योंकि कभी कभी किसी नाराज़ एक्टर से पाला पड़ा तो शायद आपकी ज़िंदगी भी जोखिम में पड़ सकती है। तो मैं मानती हूँ कि दोनों की अपनी अपनी खासियत है और दोनों की भागीदारी रहती है ऑडियंस तक खबर पहुँचाने में। नाना बहुत ही एक टैलेंटेड एक्टर हैं और उनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अपने करियर में उनके साथ काम करने का मौका मिला और मुझे आशा है कि ये फिल्म जिसमें आपको दोबारा नाना पाटेकर देखने को मिलेंगे सबको पसंद आएगी और जो खासतौर में फिल्म के फैंस हैं अब तक 56 जिन्होंने पहला सा देखा है उन्हें ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। क्राइम के बदलते हुए नेचर को कैप्चर करती है ये फिल्म, बहुत सी चीज़ें जो आप अखबारों में पढ़ते हैं आपको फिल्म में देखने को मिलेंगी और मुझे आशा है कि आपको फिल्म पसंद आएगी। उस वक्त जाहिल गवार जो लोग हैं क्राइम करते थे, आज पढ़े लिखे हैं बहुत जो और इस फैकल्टी में आ गए हैं क्राइम के, MBA किया हुआ बंदा है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, पॉलिटिशियंस है, जिनकी पहुंच बहुत बड़ी है, तो
जो गवार हैं उनसे डील करना बहुत आसान था, लेकिन अभी जिस तरह से जो क्रिमिनल्स है उनसे डील करना बहुत मुश्किल है, और वो एक जो सीमित हमारी इक्विपमेंट है पुलिस की, उसी के साथ हमको लड़ना है, और उनके पास तो सब कुछ है। पहले ज़माने के जो बातें थी लाखों में थी, फिर करोड़ों में थोड़ी सी हो गई, अब हज़ार करोड़ों में हो गई आज के गुने जो है, तो वो स्कैम्स जितने बड़े हैं वैसे उतने तुम्हारे गुनाहगार भी बड़े हो गए, फिर उसकी व्याप्ति बड़ी हो गई, फिर वो तुम्हारे बुरी बात यह है कि उन पकड़े जाने के बाद कुछ दिनों के बाद बेल पे छूट जाते हैं, जेल में जाते हैं, फिर उनको बेल मिल जाता है, फिर केस चलती रहती है और चलती रहती है बस, फिर कई साल गुजर जाते हैं, कई कबार वो जो क्रिमिनल है मर जाता है बीच में, फिर क्या करेंगे, फिर तो ऐसे चल रहा है। तो नाना सरकार जब भी स्क्रिप्ट आती है और जब क्रिमिनल पुलिस करता है तब आप अरे फिर पुलिस वाला ऐसे नहीं, कभी नहीं लगता, क्योंकि हर हर एक किरदार की एक मांग होती है, तो मतलब पुलिस वाला मतलब इंसान ही तो है ना, तो वो मुझे कभी दिक्कत महसूस नहीं होती। क्या चेंज सोचते, क्या इस बार क्या चेंज करूंगा, फिर पुलिस वाला बन रहा हूँ यहाँ, तब तो प्रहार से देखिए अब तक जब भी देखूँ कहीं ना कहीं पुलिस वाला ही जाते हैं, यशवंत हो गया और फिल्म हो, नहीं हर एक यशवंत का किरदार अलग है, फिर तक छप्पन का अलग है, 2611 का अलग है, तो हर एक का अपना स्ट्रेचर अलग है, उसका फ्रेमवर्क अलग है, उसकी जरूरत जो कुछ है उस किरदार की वो अलग है, तो मुझे नहीं लगता। हाँ एक ये है कि पुलिस वाला ये लेवल लग जाता है पर, लेकिन बाकी कुछ मुझे नहीं लगता। गुल पनाग ने बहुत अच्छा, वो बच्ची अच्छा काम करती है, स्वाभाविक तरीके से काम करती है, और ये भी हमारा आशुतोष राणा है, हालांकि उसने प्रूव किया है अपने आप को बेहतरीन एक्टर है, तो ऐसे एक्टर होते हैं साथ में तो बड़ी सुविधा होती है कि नहीं आसानी से तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। मैं तो क्या होता है कि सामने जरा थोड़ा कच्चा अगर है कोई तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है और वो कन्विंसिंग नहीं होता, बड़ा अच्छा काम किया उसने सभी ने, एक्टिंग नहीं लगती, नहीं तो एक्टिंग जब लगती है तो तुम वो जो सीन है वहां से दूर हो जाते हो, लगाव नहीं रहता, नहीं तो कुछ ऐसे होता है कि इतना स्वाभाविक लग रहा है कि तुम उसमें घुल जाते हो, तो अच्छा लगता है। नाना बहुत कम बातें करते हैं आप, बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा कि डायलॉग बन जाता है फिल्म, इस फिल्म को डायलॉग देखने में अलग से बहुत अच्छे, मतलब लिखा हुआ अच्छा है, कुछ कई कबार में कुछ लिख देता हूँ, लेकिन वो वही है कि कहता कि एक इसमें अगर एक वो बंदा कहता है कि भाई देखो भगवान ने तुम्हारे शरीर में 9 छेद किए हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 आँख के, 1 मुंह का, बाकी के 2 तू जानता है, अगर तूने कुछ गलत किया तो 10वां छेद कर दूंगा। अब ये जो है वो कोई डायलॉग के तरीके कैसे वो उसका उच्चारण नहीं करता, वो अपना वो शर्ट है वो आयन कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, और उसी वक्त ये देख ऐसे ऐसे और यहाँ फोन रखा है और बात कर रहा है, तो मुझे लगता है जो स्वाभाविक तरीका है बोलने का उससे वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। नाना को किस तरह किरदार पसंद है कि आपकी फिल्म बिल्कुल हटके होती है, जी से हटके पूरा हर चीजें बिल्कुल एक मैसेज देती है, चाहे क्रांति में हो कोई फिल्म। हाँ तो किस तरह की नहीं, जब देखो ये माध्यम है जो कैमरा जो है वो कैमरा की वजह से मैं कह सकता हूँ, लोगों तक पहुँच सकता हूँ, मेरे विचार जो है सही है गलत है जो भी कुछ मैं पहुँचा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक आपका रिझाना आपको मनोरंजन करना उतना ही काम नहीं होता, उसके अलावा एक कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए कि झिझोड़ दे आपको कि नहीं ये हमारे इर्द गिर्द बातें हो रही है, नहीं तो 2 घंटे के लिए आप थिएटर में आओगे, 2 घंटे के लिए आपकी जो परेशानियां भूल जाओगी और फिर 2 घंटे के बाद वही परेशानियां आपको वापस छेड़ने लगेगी, बजाय उसके कि वो परेशानियों के बारे में अगर हम खल करते हैं, यहाँ पूछते हैं एक दूसरे को, या हम उसका निचोड़ क्या होता है वो देखते हैं, हल निकालते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेगा कौन। बॉम्बे में कहाँ कहाँ शूट किया गया, जैसे पोस्टर में दिखाया गया है कि चाल दिखाई है दादर का पीछे।
देख लो यार, जब उसके लिए आपको एक 10-15-20-50 रुपए की टिकट कटवानी पड़ेगी, फिर आपको मिलेगा, हर आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ना जी, बात कर मारी जी की नट सम्राट की कर रहे हो आप लोग, पता नहीं कुछ उसके बारे में। नहीं, नट सम्राट जो है अभी मैं वो किरदार निभाने जा रहा हूँ जो हमारे मराठी थिएटर का बहुत ही मापदंड, जिसको समझते हैं वैसा वो प्ले है। लागू साहब ने शुरुआत में किया था वो रोल गणपतराव बेलवलकर, तो वो करने का अदा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। महेश मांजरेकर डायरेक्ट कर रहा है इस फिल्म को, रीमा लागू में, विक्रम गोखले, बहुत अच्छे कलाकार हैं सभी साथ में, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बहुत तकलीफ देता है ये, इतनी तकलीफ देता है रोल, इमोशनल उसके अप डाउन्स बहुत, तो तकलीफ तो होती है, लेकिन एक बार वो सिस्टम से निकल जाए तो अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके उतने। फिर मैंने इमीडिएट वो दूसरी एक फिल्म मैंने साइन कर ली है, ताकि ये जो रोल है मेरे दिमाग से हट जाएगा। फिर वो सुधांशु झा की एक फिल्म है प्रतिबिंब, मैं और माही गिल, तो मई में मैं वो फिल्म शुरू करूँगा, अब अप्रैल में ये ख़त्म करूँगा मैं नट सम्राट। तो लेकिन अच्छा लगता है कि ऐसे बेहतरीन जो किरदार है करने का मौका मिलता है तुम्हें। तो हाँ, मतलब नट सम्राट की बात ऐसी हुई कि बजाय रेमुनरेशन, चलो हम इतने पार्टनर बन जाते हैं उस फिल्म के मेकिंग में, तो फिर मल्हार को वैसे भी प्रोड्यूसर बनना था। मल्हार NY में था, लंदन में सीख के आया है थोड़ा बहुत कुछ, कभी उसका इस्तेमाल हो जाएगा कभी कभार, वो शायद हो सकता है जहन में आएगा उसके, तो वो डायरेक्ट भी करेगा। लेकिन वो क्या, रहना पड़ता है इस माहौल में, रहना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा, और वो देखते देखते तुम सीख जाओगे। मुझे हिंदी भी मैं सही तरीके से बात नहीं कर सकता, आज भी मुझे लगता है कि मैं उन लफ्ज़ों को ढूंढते रहता हूँ कि नहीं इसको ये क्या कहूँ इसको। जैसे मैं जावेद साहब जब बोलते हैं तो उनकी ज़ुबान में जो लफ्ज़ों का जो ये होता है, गुलजार साहब जब बोलते हैं तो वो उतना तो हमें आएगा नहीं, लेकिन वो उनको सुन सुन के कुछ चोरी करके हम आप ऐसे ही बोल लेते हैं, फिर आपके सामने इंटरव्यू देते हैं। तो लगता है कि आज के दौर में मल्हार जी छठो पानी का आज दौर चल रहा है, आज के जो प्रोड्यूसर हो रहे हैं, जो फिल्में आ रही हैं, लग रहा है कि मल्हार जी भी सक्सेस हो जाएंगे। मालूम है सक्सेस और फेलियर ये तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, कभी सक्सेसफुल हो जाओगे कभी गिर जाओगे, वो तो करना ही पड़ेगा तुमको। हर बार तुमको एक फॉर्मूला नहीं होता सक्सेस का, नहीं ये करोगे तो तुमको ये होगा, तो गिरना चलना वो तो लगातार रहेगा। जैसे बच्चा जो छोटा होता है गिरता है, नहीं इधर उधर देखता है, कोई किसी ने देखा, कोई है सामने तो करके रोता है, नहीं कोई देखा तो फिर उठता है, फिर चलने लगता है। तो ये सिलसिला तो होता है ज़िंदगी में, तो होना ही चाहिए। आज हम साथ में हैं, कल हम नहीं रहेंगे तो तुमको कौन सहलाएगा, तो तुमको खुद को सहलाना आना चाहिए। जब आपसे मल्हार जी ने कहा था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा इस टाइम में आ रहा हूं, तो आप पे क्या था कि? नहीं नहीं, मैंने उसकी ज़िंदगी है, उसको तय करना है, वो सही है गलत है उसको सोचने में, मैं कौन होता हूँ। मैं एक ही कहूँगा बाप होने के नाते कि भाई तू जो भी करेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो करना है वो करो, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुमको चूज करना है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रास्ता कौन सा पकड़ना है। नहीं, मुझे रास आई है, क्या होता है फिल्मों का, मतलब हमारे जमाने में तो वो नहीं था, या ऐसे जिस तरह का प्रमोशन आप कर रहे हैं आजकल, इस शो में जाओ उस शो में जाओ, उधर ये करो उधर चिल्ला करो फिर वो हंसो, वो तो मुझसे होता नहीं। मुझे लगता है कि ये भी जो है, मैंने कहा लोगों को सिर्फ पता तो चले कि नहीं ये फिल्म रिलीज हो रही है 27 तारीख को, 27 फरवरी को, और उसके बाद देखने के बाद आप तय करेंगे ये अच्छी है बुरी है। और समझो इतने थिएटर में रिलीज हो रही है, एक बार 1 लाख लोगों ने देख ली तो 1 लाख लोग जाके बोलेंगे अच्छी लगती है तो कि नहीं बहुत अच्छी है, और बुरी लगती है तो आप जाके बोलोगे बुरी है। क्योंकि मैं ये कहूँ कि नहीं बहुत बेहतरीन है आप देखो तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए, तो पहले जो लोग जाके देखेंगे वो ज़रूर जाके बाहर लोगों को बोलो, अगर अच्छी नहीं लगी तो अच्छी नहीं है, और अच्छी लगी तो बोलो अच्छी है, ताकि ऐसी फिल्में देखेंगे लोग तो ऐसी फिल्में हम बार बार कर सकते हैं, फिर नहीं तो ऐसी फिल्में करने का धारिष्ठ हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसको भी एक लागत लगती है, उसके पैसे वापस आने हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा, कतई नहीं कहूँगा
कि नहीं आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी, हमने ऐसे किया वैसे, हमने बहुत कुछ अच्छा किया, मुझे रास आई। आपको रास आती है तो जरूर बोलिए अच्छी है, आपको रास नहीं आती तो जरूर बोलिए गंदी है। थैंक यू। ओके।